जरा सोचिए, बाजार में मिलने वाली फ्रूटी अगर हम घर पे बना लें, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव और बिना किसी फूड कलर के, तो कितना अच्छा रहे। क्योंकि फ्रूटी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे और बड़े सबको बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए होममेड फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका, जिसमें आज हम बनाएंगे फ्रूटी। फ्रूटी जो बच्चों को बड़ों को बहुत ही अच्छी लगती है, और बाज़ार में मिलने वाली फ्रूटी में टेट्रा पैक में, जैसे कि आप सबको पता है कि प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, तो आज हम बिल्कुल फ्रेश, हेल्दी और बिना प्रिजर्वेटिव के फ्रूटी बनाना सीखेंगे। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आज आपको फ्रूटी बनाना सिखाऊंगी, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के साथ, बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी, बाजार जैसा टेस्ट देने वाली। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कर सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने एक सफ़ेदा आम लिया है, बिल्कुल टाइट मैंगो है, और एक कच्चा आम। इसका रेशियो याद रखिएगा, जितना आप आम लेंगे उसका आधा आप कच्चा आम लेंगे। अब हम इसको छील के काट लेते हैं। हमने कच्चा आम और अपने सफ़ेदा आम को अच्छे से काट लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। अब हम एक कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। उसमें जाएगा 1/2 कप शुगर और इसको अच्छे से डिज़ोल्व होने देते हैं। शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, तो कोई इशू नहीं है। अब हम इसमें अपने सारे चॉप किए हुए टमाटोज को ऐड कर देते हैं और इसको एक बार स्टर करते हुए ढक देते हैं और इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे तो अभी से अरोमा आना स्टार्ट हो गया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, शुगर आप अपने हिसाब से ही एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मैंगो ज़्यादा मीठा है तो आप कम शुगर ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। और रेसिपी जानने के लिए मेरे दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आप मेरी हर एक वीडियो से देख पाएँ और उसको ट्राई कर सकें। कुक होते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं और अच्छे से अरोमा भी आना स्टार्ट हो गया है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और ये सारा पानी हम ड्रेन आउट कर लेते हैं एक छलनी की हेल्प से। अब इसको हम अच्छे से स्क्वीज होने देते हैं और ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम इसको एक छलनी की हेल्प से निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से छान लेते हैं। अब पल्प को, जो पानी हमने छाना था अपनी मैंगो उसको कुक करने के बाद, उसमें अच्छे से मिला देते हैं। देखिए हमारी फ्रूटी अच्छे से छन गई है और ये हमारा एक्स्ट्रा जो पल्प निकला था या थोड़ी सी जो गांठें रह गई थी मैंगो ब्लेंड करने में, वो हमारी अलग हो गई।
देखिए हमारी फ्रूटी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी ऐड करेंगे बजार जैसी कंसिस्टेंसी लाने के लिए, और इसको एक बार और हम छान लेंगे, जो जरा मरा से हमारे पल्प होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, जिस उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखिए बिल्कुल येलो कलर, बिना किसी कलर, फूड कलर और ना ही किसी प्रिजर्वेटिव के साथ आकर सामने आया है। हमने कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया, हमने कोई प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड नहीं किया, सिंपल इंग्रेडिएंट से हमने अपनी फ्रूटी बनाई है। अब मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। हमारी होममेड फ्रूटी बनकर तैयार है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव और बिना किसी फूड कलर के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, तब तक के लिए टेक केयर।